दोस्तों मस्ती विद टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फाइल सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे। फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि कंप्यूटर का वो नियम जिसके तहत कंप्यूटर में या कोई भी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर फाइल्स को अरेंज किया जाता है। यानी ये एक तरह के अलमारी है और जिसका रूल है कि जैसे कोई बुक्स अगर आपके अलमारी में रखी हुई हो तो ये बताता है कि आपका बुक्स जो है सब्जेक्ट वाइज सजाया हुआ है या अल्फ़ाबेटिकल नाम वाइज सजाया हुआ है। अगर सब्जेक्ट वाइज सजाया हुआ तो वो ये सब्जेक्ट का कहाँ रखा हुआ है, ये सब्जेक्ट का कहाँ रखा हुआ है। इस तरीका का जो भी चीज़ नियम होता है वो फाइल सिस्टम के जरिए ही आपका सिस्टम को पता चलता है। तो हमारे पास ये देखिए एक पेन ड्राइव हमने लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए। इस पर राइट क्लिक करके इसको हम फॉर्मेट के लिए कमांड देते हैं। तो फॉर्मेट देने के बाद ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें सबसे ऊपर आपका होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी में तो कोई चेंजिंग होता नहीं है, ड्रॉप डाउन दिया है, पता नहीं ये किस कारण से दिया हुआ है, लेकिन कैपेसिटी जो भी आपका ड्राइव के अंदर है वो फिक्स रहती है, उसमें चेंज आप नहीं कर सकते। दूसरे ड्रॉप डाउन जो दिया हुआ है सिलेक्शन का, वो आपका फाइल सिस्टम का है जिसमें तीन तरह के फाइल सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है। NTFS 532 जो कि डिफ़ॉल्ट है, और XFAT। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि कंपनी जब इसको आपको बना के दी थी तो उसने इनबिल्ट इसमें 532 डाला था, उसको आप यहाँ रिस्टोर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कीजिएगा तो अपने आप वो ले लेगा। इस तरीका से उसको डिफ़ॉल्ट में करके यहाँ से स्टार्ट फॉर्मेट करेंगे तो वो 532 के अंदर फॉर्मेट हो जाएगा। FAT32 जो है सबसे इन तीनों में सबसे पुराना फाइल सिस्टम है जो कि विंडोज 95 के समय में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, और यह ऐसा फाइल सिस्टम है जो आपको सभी तरह के इक्विपमेंट में सपोर्ट करता है। यानी आपके पास कोई भी चीज़ हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे सेट टॉप बॉक्स हो, म्यूजिक सिस्टम हो, वीडियो सिस्टम हो, कंप्यूटर हो, कोई भी तरह का इक्विपमेंट हो जिसमें पेन ड्राइव लगाने का USB पोर्ट दिया हुआ हो, उसमें आप FAT32 में फॉर्मेटेड पेन ड्राइव घुसा दीजिए, वो आपको चलेगा ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कहेगा कि हम नहीं चलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उसके अंदर आपकी फाइल्स कौन सी है, फाइल्स उस चीज़ सपोर्ट करता है कि नहीं करता, वो अलग है, लेकिन आपका पेन ड्राइव को वो सिस्टम डिटेक्ट करेगा, उसका स्टोरेज दिखाएगा और उसमें के अंदर के फाइल्स को रीड करने की कोशिश करेगा ही करेगा। ये सबसे ज्यादा सपोर्टेड डिवाइस है, फाइल सिस्टम है। तो इसको हम इसमें फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, वार्निंग दे रहा है कि डाटा डिलीट हो जाएगा, तो इसको दिखाने के लिए किए ही फॉर्मेट कर दिए इसको। अब देखिए फॉर्मेट करने के बाद हमारा ड्राइव जो है ये है, इसकी प्रॉपर्टी अगर चेक कीजिएगा, प्रॉपर्टी में आपका देखिए ऊपर छह तरह के टैब हैं, 1 2 3 4 5 6, छह तरह के टैब आते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए दिया हुआ है। इस फाइल सिस्टम में जो है सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि इसमें आप 4 GB से छोटा फाइल ही रख सकते हैं। मान लिया अगर आपके पास 4 GB का कोई फाइल है, आप इसमें कॉपी कीजिएगा तो कॉपी नहीं होगी, बहुत तरह का प्रॉब्लम बताएगा, डिवाइस भरा हुआ है तो ये है वो है, बहुत तरह का चीज़ मैसेज दे सकता है, ये परिस्थिति के अनुसार है, लेकिन ये फिक्स है कि आपका कॉपी नहीं होगा। दूसरी इसकी लिमिटेशन थी कि ड्राइव साइज जो है मैक्सिमम 8 GB का हो सकता है, यानी 8 GB से बड़ी ड्राइव इसकी नहीं बन सकती है। तो ये लिमिटेशंस के कारण माइक्रोसॉफ्ट ने आगे जो है अपने विंडो XP जब लॉन्च किया तो उस समय नया फाइल सिस्टम का शुरुआत किया जिसको NTFS बोला गया। FAT32 का मतलब होता था फाइल एलोकेशन टेबल 32, और NTFS का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS में क्या किया गया कि जो भी ये लिमिटेशंस थी 4 GB और 8 GB की, यानी फाइल साइज 4 GB से नीचे रहनी है और आपका ड्राइव साइज 8 GB से नीचे रहना, इन दोनों को हटा दिया और एक तरह से अनलिमिटेड कर दिया। यानी अनलिमिटेड साइज का फाइल भी कॉपी कर सकते हैं और अनलिमिटेड साइज का ड्राइव भी रह सकते हैं। तो इसको देखिए अब NTFS में अगर इसको फॉर्मेट करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये हमारा NTFS में फॉर्मेट हो गया। अब ड्राइव को प्रॉपर्टी को फिर से हम चेक करते हैं तो देखिए क्या अंतर आया है। ये ड्राइव में देखिए ऊपर जो ये 6 टैब थे इसमें 8 टैब बन गए। इसमें आपको सिक्योरिटी टैब और कोटा टैब,
ये दो टैब एक्स्ट्रा जुड़ गए। यही NTFS में किया गया था। इसमें सिक्योरिटी का फंक्शन ऐड किया गया था, जिसके तहत फाइल के साथ बहुत तरह की सिक्योरिटी दी गई। साथ ही साथ कोई भी फाइल्स इसमें कॉपी करते हैं तो उसका शैडो फाइल बनता था, जो कि आपको कभी पेन ड्राइव करप्ट हो गया या दिक्कत हो गया तो रिकवरी में मदद करती थी। NTFS के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो ये आई कि इसको सभी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती थी। जैसा कि 532 वाला पेन ड्राइव आप कहीं भी किसी चीज़ में घुसा दीजिए, यहाँ तक कि अगर आपके अंदर भी कोई USB पोर्ट है तो उसमें भी घुसा दीजिएगा तो काम करेगा, लेकिन NTFS के साथ नहीं थी। NTFS जिसको सपोर्ट करेगा बस वही काम करेगा। जो नया नया ऑडियो सिस्टम, वीडियो सिस्टम या इस तरीका की चीज़ें आई उसमें तो आपका NTFS सपोर्ट करता है, लेकिन पहले का जो चीज़ है या ऐसा चीज़ जिसमें जो है ऑडियो वीडियो सिस्टम ना हो, कोई अलग तरह का चीज़ हो, जैसे मान लिया एसी ही आपके पास मॉडर्न एसी है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाने वगैरह का फैसिलिटी है, उसमें USB पोर्ट दिया हुआ है, तो आप NTFS वाला पेन ड्राइव अगर उसमें लगाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सपोर्ट करे ही। अगर कंपनी विशेष रूप से वो NTFS का सपोर्ट दिया होगा तब तो कर जाएगा, नहीं तो 99% चांस है कि वो नहीं करेगा। साथ ही साथ NTFS पेन ड्राइव अगर आप मैक कंप्यूटर में लगा देते हैं, एप्पल वाले में, तो खुल तो जाएगा पेन ड्राइव, उसका डाटा आप देख सकते हैं, लेकिन उसको एडिट नहीं कर पाइएगा, उसको आप उसमें राइट या कोई कॉपी फाइल उसमें नहीं कर पाइएगा। मैक सिस्टम उसमें राइटेबल नहीं है, लेकिन 532 में जो है रीड राइट दोनों कर लेता है। तो ये दोनों में प्रॉब्लम, ये NTFS के साथ प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अगला जो है एक्स फैट बनाया। एक्स फैट में क्या किया कि सिक्योरिटी वगैरह चीज़ें हटा दी, लेकिन FAT32 के साथ जो लिमिटेशंस थी 8 GB वाली वो NTFS वाली इसमें रखी। यानी कि एक्स फैट में कंपेटिबिलिटी तो आपको सारा FAT32 का मिल जाएगा, लेकिन फाइल साइज वगैरह NTFS का उसमें लगा दिया गया, यानी दोनों को मिक्स मर्ज करके बनाया गया। लेकिन चूंकि इसमें से सिक्योरिटी हटा दी गई थी एक्सफैट में से, इसलिए विंडोज़ का जो भी ये जितने भी सारे ये सब इंटरनल ड्राइव होते हैं वो सारा का सारा NTFS में ही रखता है, ताकि डाटा रिकवरी या और भी तरह का सिक्योरिटी लॉक सिस्टम वगैरह के लिए उसको उपयोगी हो। तो एक्सटर्नल ड्राइव के लिए आज सबसे बेहतर एक्सफैट है और इंटरनल ड्राइव के लिए NTFS है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आई हो तो इसको इन्फॉर्मेशन को लोगों तक भी पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।